सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम है, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूँ आपका अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों सोच का हमारी जिंदगी में बहुत तगड़ा असर पड़ता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो दिन भर सोचते रहते हैं और सोचने की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो जहां तक मैंने अनुभव किया है, हमारी सोच का हमारी जिंदगी में बहुत तगड़ा असर होता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ में वैसा ही घटित होता है। इस पे एक रिसर्च किया था अमेरिका के लोगों ने। मैं आपको छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक क्रिमिनल को फांसी की सजा सुना दी गई। तो वहां के साइंटिस्टों ने उस व्यक्ति पे एक सर्वे करने की कोशिश करी, उस पर एक रिसर्च करने की कोशिश करी। तो वहां की गवर्नमेंट से उन्होंने परमिशन ली, तो उस कैदी से मिला गया। परमिशन क्या ली भाई, इसको तो फांसी की सजा हो ही गई है, इसको तो मरना है ही, तो क्यों ना हम इस पर एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो वो उस क्रिमिनल से मिलते हैं, उस कैदी से मिलते हैं, उसके पास में जाते हैं और बोलते हैं कि आपको पता है आपको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो वो क्रिमिनल बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है कि मुझे फांसी की सजा सुना दी गई है। तो वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमने अपना प्लान चेंज कर दिया है। प्लान क्या है कि अब तुमको फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि तुमको कोबरा सांप से डसाया जाएगा, यानी कि कोबरा सांप आपको डसेगा, उसके बाद में आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। इतना कह के वो चले गए। तो जिस दिन उसकी फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी, जिस दिन उसको फांसी देनी थी, उस दिन वो उसके पास में जाते हैं और जाने के बाद में करते क्या है, उसको एक चेयर पर बिठा देते हैं। चेयर पर बिठाने के बाद में उसकी नजरों के सामने, उसकी आंखों के सामने एक बहुत तगड़ा सा कोबरा सांप लाया जाता है, उसको दिखाया जाता है और बोले उससे बोलते हैं कि देखो तुमको जो है अब इस सांप से डसाया जाएगा। फिर क्या करते हैं, उसकी आंखों पे काली पट्टी बांध देते हैं। काली पट्टी बांधने के बाद करते क्या है, को उस कोबरा को, सांप को उसकी नजरों के सामने से हटा देते हैं, उसको लेके चले जाते हैं और बाद में दो उसके सेफ्टी पिन चुभो देते हैं। सेफ्टी पिन चुभो के उसकी आंखों से काली पट्टी जो है वो हटा देते हैं। उसके बाद में देखते क्या कि कुछ मिनटों के बाद में वो आदमी जो है ना तड़पने लगता है, फड़फड़ाने लगता है, उसकी बॉडी, उसका जिस्म नीला पड़ने लगता है, उसके मुंह से झाग आने लगते हैं और कुछ समय के बाद में वो जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता ये चला कि उसकी बॉडी के अंदर उतना ही जहर पाया गया जितना एक कोबरा सांप के डसने से पाया जाता। अभी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उस इंसान को कोबरा सांप से नहीं डसाया गया बल्कि दो सेफ्टी पिन चुभोई गई थी। तो उसकी बॉडी के अंदर उतना जहर आया कहां से, उसकी बॉडी के अंदर उतना जहर आया उसकी सोच से, उसकी थिंकिंग से। क्योंकि तो जब उस व्यक्ति को ये बता के वो लोग चले गए थे कि तुमको कोबरा सांप से डसाएंगे जिस दिन तुम्हारी फांसी होगी, इतना कह के वो चले जाते हैं और वो जो व्यक्ति है, वो जो कैदी है, वो पूरी रात पूरा दिन यही सोचता रहता है कि मुझे कोबरा सांप डसेगा, उसकी बॉडी के अंदर जहर होता, अपने जहर मेरी बॉडी के अंदर छोड़ेगा, मेरी बॉडी नीली पड़ जाएगी और मुंह से झाग आएंगे, मैं मर जाऊंगी। या उसकी सोच ने उसकी बॉडी के अंदर उतना जहर क्रिएट कर दिया जिससे उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो दोस्तों हमारी सोच का, हमारी थिंकिंग का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भाई जो भी आप सोच रहे हैं वो हमारी जिंदगी में होता है, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो इसलिए भाई अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, क्योंकि सोच भी दो तरह से होती है, पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। जब सोचना ही है अपने बारे में तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, उसमें ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं और नेगेटिव सोच का हमारी जिंदगी पे बहुत तगड़ा असर पड़ता है। जिस तरह से हमारी, मान लीजिए छत पे पानी का टैंक रखा हुआ 1000 लीटर का, अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा जहर डाल देंगे, 2 बूंद 4 बूंद जहर डाल देंगे, तो वह पूरा पानी जहरीला हो जाएगा। उसी तरह से पॉजिटिव सोच में अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव सोच लेते हैं तो सारा पॉजिटिव सोचा हुआ वो हमारा खराब हो जाता है। तो इसलिए भाई पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, क्योंकि भाई सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई परहेज नहीं है। जब सोचना ही है तो क्यों ना अच्छा सोचे, आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।